आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में हवा ने सारी हदें पार कर दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत कर डाली और मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। बावजूद इसके पुलिस ने रिपोर्ट लिखना तो दूर गाँव में जाकर तफ्तीश करना भी मुनासिब नहीं समझा, जिससे जहाँ ग्रामीणों से रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवार न्याय न मिलने से खासा परेशान है। घटना शुक्रवार दोपहर 2 बजे की बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली उजानी के गांव मानकपुर की 11 वर्षीय बालिका किराए की दुकान से अपने खाने की कोई चीज लेने जा रही थी कि गांव के अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने उसे बैला फुसला कर खाली पड़े एक मकान में ले गया, जहाँ उसने शर्मनाक घटना को अंजाम दे डाला। कितने साल की बच्ची आपकी? मेरी बच्ची 10 साल की है। अच्छा। वो दुकान पे चीज लेने के लिए गई थी अपने खाने के लिए। वहाँ पे ही एक मानकपुर का रहने वाला है, कयूम नाम का, वो गया। उसने मेरी लड़की का हाथ पकड़ा और वो साथ में लेके चला गया। कहाँ पर? वो एक मेरे घर से काफी दूर रहती है, अंदर जाके गाँव में, शबनम नाम है उसका। अच्छा। उस शबनम के घर पे ले जाके उसने उसकी लैटरिन में बैठ गया था। वहाँ पे बैठने के बाद में उसके घर में कोई था नहीं, उसने जो था बच्ची के साथ में कपड़े वपड़े उसके उतार के और उसने गंदी हरकत की सोच करी थी। लड़की का मुंह दाब रखा था। क्या गंदी हरकत की उसने? गंदी हरकत की, और गंदी हरकत के साथ में जब मेरी लड़की चीखी थी, वो महिला घर में आई, जैसे ही उनने आवाज की चीख सुनी वो चारों तरफ चौंकने लगी कि मेरे घर में से चीख कहाँ से आई। जब उसने बाहर निकल के देखा तो वो अपराधी मतलब और मेरी लड़की दोनों कपड़े नंगे उतरे हुए पाए। उसने ये घटना देख के जब हंगामा करे तो उससे हंगामा करने के बाद में उसने ये लड़की को धमकी देने लगा कि अगर हंगामा किया जाएगा तो मैं लड़की को जान से खत्म कर दूंगा। वो महिला घबरा के मेरे पास में आई, उसने आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बातें, तुम अपनी पहली लड़की को ढूंढ लो।